ये हुंडई की एक्सेंट सीआरडीआई एस्ट गाड़ी है जो कि 2015 मॉडल है और ये चली गाड़ी ओरिजिनल 97,000 है और सीनियर सिटीजन ड्रीवन कार है और फुली लोडेड गाड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, फुल इंश्योर्ड है और बेस्ट गाड़ी है। ये मारुति की वैगन आर VXI मॉडल है और RJ19 गाड़ी है, जोधपुर की है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है और ओरिजिनल कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ ये गाड़ी है और प्योर पेट्रोल के अंदर चली हुई गाड़ी है। ये जो भी लेगा उसको बहुत ही सूट होगी गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी भी हमारी सीनियर सिटीजन द्वारा ही चली हुई गाड़ी है। ये सेवलेट की स्पार्क गाड़ी है जो LT वर्जन के अंदर है, 1000 cc का इसके अंदर इंजन है और ये चली है 55,000 किलोमीटर, जो कि लेडी ड्रीवन कार है। ये गाड़ी भी हेड लैम्प से टेल लैम्प तक कंपनी कंडीशन में गाड़ी है, 100% ओरिजिनल डेंट पेंट के साथ। ये 2008 की स्विफ्ट VDI है जो कि जैपनीज इंजन के साथ है और ये गाड़ी भी 100% ओरिजिनल है, एक भी चीज़ इसके अंदर रिप्लेस हुई भी नहीं है, छोटा मोटा जो डेंट पेंट था वो स्क्रैचेस रिमूव कर रखे हैं और फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये मारुति की स्विफ्ट VDI है। हेलो, गुड इवनिंग, आपका अपने चैनल सेक्टर हैंड में आपका स्वागत है। आइए, आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर हैंड के सेकंड हैंड कार सर्विसेज में और जैसा कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी श्री कैलाश कार बाज़ार के बाहर जो कि लोकेटेड है चिल्ड्रंस पार्क सरदारपुरा में। आज हम आपको मिलवाएंगे कैलाश सर से और उनसे जानेंगे कुछ कार की कुछ स्पेसिफिकेशंस और उनकी फाइनेंस की फैसिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और ढूंढते हैं आपकी ड्रीम कार। तो अब हम आए हैं हमारी पहली गाड़ी की तरफ और हम अभी हमारे ट्रस्टेड डीलर कैलाश सर से इस कार की कुछ स्पेसिफिकेशंस जानेंगे। सर, इसकी स्पेसिफिकेशंस बताइए। ये हुंडई की एक्सेंट सीआरडीआई एस्ट गाड़ी है जो कि 2015 मॉडल है और ये चली गाड़ी ओरिजिनल 97,000 है और सीनियर सिटीजन ड्रीवन कार है और फुली लोडेड गाड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, फुल इंश्योर्ड है और बेस्ट गाड़ी है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर ने अभी बोला कि ये सीनियर सिटीजन ड्रिवन है, मतलब सीनियर सिटीजन ड्रिवन है तो फिर इसकी कंडीशन भी एकदम सही होगी क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो एकदम ध्यान रख के गाड़ी चलाते हैं। और अगर हम आपको इसका इंटीरियर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि सीट्स की कंडीशन सही है और बिल्कुल इसमें स्क्रैचेस या कहीं पे भी टियर नहीं है सीट्स में और पावर स्टीयरिंग है और पावर विंडो है और स्टीरियो भी एकदम प्रॉपर कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है और आवाज़ बिल्कुल भी इसमें क्रैश साउंड नहीं आता है। और टायर्स की कंडीशन भी आप देखिए, टायर्स की कंडीशन भी एकदम प्रॉपर है और जो आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर की जो कार है ये एकदम सही और प्रॉपर कंडीशन में है। तो चलते हैं हम हमारी दूसरी कार की तरफ। तो अब हम आए हमारी दूसरी कार की तरफ, सर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताइए। ये मारुति की वैगन आर VXI मॉडल है और RJ19 गाड़ी है, जोधपुर की है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है और ओरिजिनल कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ ये गाड़ी है और प्योर पेट्रोल के अंदर चली हुई गाड़ी है। ये जो भी लेगा उसको बहुत ही सूट होगी गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी भी हमारी सीनियर सिटीजन द्वारा ही चली हुई गाड़ी है। इंजन कंडीशन बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ से, जो भी आप गाड़ी लें कंपनी रिकॉर्ड चेक करके फिर लें हमसे गाड़ी, हम तो ये कहते हैं। और इसमें जो भी पार्ट्स हैं वो सारे कंपनी कंडीशन में, ओरिजिनल हेड लैंप से लेकर टेल लैंप तक, फर्स्ट हैंड गाड़ी है ये। जैसे कि देखा अपने सर ने बोला कि ये फर्स्ट हैंड गाड़ी है, सीनियर सिटीजन के थ्रू चली हुई है और अगर आप इसका इंटीरियर देखें तो इंटीरियर भी एकदम शानदार कंडीशन में है, एकदम नई जैसी सीट है। इस गाड़ी को देख कर के कोई नहीं बोल सकता कि ये सेकंड हैंड कार है, एकदम बहुत अच्छे से चमकती हुई वाइट कलर की ये वैगन आर है, पावर स्टीयरिंग है इसमें और स्टीरियो देखे, स्टीरियो एकदम प्रॉपर कंडीशन में है। और जब हम टायर्स की तरफ देखते हैं तो टायर्स की कंडीशन भी एकदम नई है, बिल्कुल पुराने जैसे टायर्स नहीं है इसमें और लाइट वगैरह भी एकदम नई है। तो चलते हैं अब हम हमारी तीसरी कार की तरफ। तो अब हम आए हैं हमारी तीसरी कार की तरफ, सर इसके बारे में कुछ बताइए। ये सेवलेट की स्पार्क गाड़ी है जो LT वर्जन के अंदर है, 1000 cc का इसके अंदर इंजन है और ये चली है 55,000 किलोमीटर, जो कि लेडी ड्रीवन कार है।
ये गाड़ी भी हेड लैम्प से टेल लैम्प तक कंपनी कंडीशन में गाड़ी है, 100% ओरिजिनल डेंट पेंट के साथ। टायर इसमें न्यू है बिल्कुल, बैटरी इसके अंदर न्यू है, इंश्योरेंस भी इसका दिसंबर 2021 तक है, और इंटीरियर पूरा कंपनी कंडीशन में, हम तो कहते हैं गाड़ी देखें आप आराम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर जाने बोला एकदम कंपनी कंडीशन में है, मतलब जो भी पार्ट्स हैं इसमें इंटीरियर में वो पूरे ओरिजिनल है, कोई भी बाजार से लगाया हुआ पार्ट नहीं है इसमें। सीट्स की कंडीशन आप देखिए, सीट्स की कंडीशन प्रॉपर है, एकदम कंफर्टेबल इसमें सीट्स है। और जब आप नीचे बूट स्पेस नहीं फुट स्पेस में देखते हैं, फुट स्पेस में भी बहुत अच्छी स्पेस है। और हम देखते हैं हमारे टायर्स भी, और जब हम देखेंगे इंजन को तो आप देख सकते हैं इंजन भी सारी इसमें जितने भी पार्ट्स लगाए हुए हैं सारे ओरिजिनल है, बिल्कुल भी बाजार से लगाए हुए पार्ट्स इसमें नहीं है। RJ14 की गाड़ी है, RJ14 मतलब जयपुर की ये कार है, तो इसकी कंडीशन भी एकदम प्रॉपर है। तो चलिए हम चलते हैं हम हमारी चौथी कार की तरफ। तो अब हम आए हैं हमारी चौथी कार की तरफ, सर इसकी कंडीशन बताइए। ये 2008 की स्विफ्ट VDI है जो कि जैपनीज इंजन के साथ है, और ये गाड़ी भी 100% ओरिजिनल है, एक भी चीज़ इसके अंदर रिप्लेस हुई भी नहीं है, छोटा मोटा जो डेंट पेंट था वो स्क्रैचेस रिमूव कर रखे हैं, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये मारुति की स्विफ्ट VDI है। जैपनीज इंजन जो कंपनी के अंदर फर्स्ट जो इंजन आए थे स्विफ्ट जब लॉन्च हुई थी 2006-7-5-6 के अंदर, तो डीजल का ये फर्स्ट इंजन है 2008 वाला ये। आप इसको देख सकते हैं बाहर से वाइट कलर की ये स्विफ्ट VDI है। और अगर हम आपको इसका इंटीरियर दिखाएं तो इंटीरियर में भी आप सीट्स की कंडीशन देखें तो एकदम प्रॉपर है, एकदम कंफर्टेबल सीट्स है इसमें। स्टीयरिंग देखें पावर स्टीयरिंग है, और इसका स्टीरियो देखें तो स्टीरियो भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। इस विंडो है वो भी पावर विंडोज हैं। और जब हम देखते हैं इंजन की तरफ तो इंजन जैसे कि सर ने बताया जापानीज इंजन है, मतलब जब स्टार्टिंग में जब VDI आई थी तब उसमें जापानीज इंजन लगते थे, और इंजन की कंडीशन भी प्रॉपर है, एकदम ओरिजिनल है सारे के सारे पार्ट्स इसमें, कोई भी बाहर से लगाया हुआ नहीं है। तो अब चलते हैं और जानते हैं सर से कुछ पेपर वर्क और जो भी इंश्योरेंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनके बारे में। तो अब हम सर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कस्टमर को होता है, पेपर वर्क और फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो सर से अब हम उस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। सर क्या क्या पेपर वर्क में डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को रिक्वायर्ड होते हैं? गाड़ी दो तरीके से मार्केट में सेल होती है, एक कैश में और एक फाइनेंस में। कैश में जब हम गाड़ी बेचते हैं तो उसके लिए हमें पार्टी का आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, और एक एड्रेस प्रूफ कोई और चाहिए होता है, और चेक पेमेंट से होता है पेमेंट या कैश पेमेंट होता है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। ये तो हो गए कैश के अंदर। और फाइनेंस के अंदर कस्टमर फाइनेंस लेता है तो फाइनेंस मिनिमम से मिनिमम 2013 मॉडल के बाद ही गाड़ी होती है, होने में 2012 मॉडल अगर सुपर क्वालिटी की गाड़ी होती है तो वो भी हो जाती है, बाकी 7 साल तक गाड़ी फाइनेंस होती है। और अलग अलग बैंकों से हम लोग फाइनेंस करवाते हैं पार्टी की प्रोफाइल के हिसाब से जी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंट में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी पे स्लिप चाहिए होती है, और इनकम टैक्स रिटर्न, और पैन कार्ड आधार कार्ड। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तो ईजी प्रोसेस है, और अगर जैसे बिजनेसमैन आते हैं तो उनके पास जो है वही 3 साल का ITR, पैन कार्ड और एक गारंटर जी। तो सर अब हम पूछना चाहेंगे कि अगर सेक्टर हैंड की तरफ से आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसको आप क्या बेनिफिट देना चाहेंगे? सेक्टर हैंड की तरफ से अगर हमें कस्टमर आता है तो उसको हम एश्योर करेंगे कि उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके ही भेजेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे कार भी मिल रहा है और ऊपर से गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है, तो इससे बढ़िया ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये सारी कार्स जो रेट लगाई है सर ने वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है और बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको सेकेंड हैंड कार शायद ही इसे सस्ती कहीं मिलेगी। और ये सारी कार्स जो आपने यहाँ पे देखी आज वीडियो में ये आपको सारी मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.sectohand.com पर, और आप हमारा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सेक्टू हैंड, और ये सारी कार वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहन के रहिए कार में और सेफ ड्राइव करें। थैंक यू।